हेलो फ्रेंड, वेलकम टू आवर चैनल। दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल में। दोस्तों देखिए, आज मैं आपको 300 से लेकर के और 407 क्वेश्चन, यानी कि आपको मैं 107 क्वेश्चन वह केमिस्ट्री का VVI क्वेश्चन बताऊंगा जो आपके यूजफुल होगा। दोस्तों देखिए, आर्मी का आप जो भी तैयारी कर रहे हैं, आर्मी से आप कोई भी ट्रेड, जैसे कि देखिए टेक्निकल, नर्सिंग, क्लर्क या ट्रेडमैन या GD या ट्यूटोरियल आर्मी, आप जो भी ट्रेड हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। आपको सिर्फ इस केमिस्ट्री के क्वेश्चन देखना है और इसमें से आपको दो या एक क्वेश्चन आराम से देखने को मिलेगा, नर्सिंग असिस्टेंट और टेक्निकल और ये GD में। तो इसलिए आप दोस्तों बिना किसी स्किप किए आप इसको लाइन बाई लाइन क्वेश्चन को देख लीजिए। 107 क्वेश्चन है, मैं आपसे मात्र टाइम लूँगा, अधिकतम मैं 30 मिनट टाइम लूँगा या उससे ही कम टाइम में ही मैं आपको 107 क्वेश्चन कर दूँगा। तो दोस्तों चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन। 300 नंबर मैं इसके पहले वाले वीडियो में बना दिया हूँ 300 तक। तो इसका आप आंसर जानते हैं कि लोहे में जंग को रोकने के लिए किसका लेप लगाया जाता है, तो जिंक का लेप लगाया जाता है। 301 में पूछता है कि आतिशबाजी के जलने के कारण हरी लपटे निम्नलिखित में किसकी उपस्थिति के कारण होता है, जो है आतिशबाजी में जलने के कारण हरी लपटे निम्न में से किसकी उपस्थिति के कारण होती है। दोस्तों तो आपको पता है यहाँ की बेरियम के उपस्थिति के कारण हरी लपटी होती है। 302 नंबर पूछा है समुद्र के पानी से कौन सी धातु निकाली जाती है, तो समुद्र के पानी से जो है दोस्तों आपको मैग्नीशियम निकाला जाता है, तो समुद्र के पानी से मैग्नीशियम निकाली जाती है। शीशा पेंसिल में शीशा की मात्रा होती है, तो शीशा पेंसिल यानी कि जो लेड पेंसिल होता है, लेड पेंसिल में शीशा की मात्रा कितनी होती है, तो 0% होती है। नेक्स्ट पूछा है 304 नंबर कि निम्न में से किसको भविष्य का धातु कहा जाता है, तो भविष्य का धातु जो है एल्युमिनियम को ही कहा जाता है भविष्य का धातु। कार्नोटाइट किसका अयस्क है, तो कार्नोटाइट जो है दोस्तों देखिए ये VVI क्वेश्चन, यूरेनियम का अयस्क है कार्नोटाइट, याद रखिए कार्नोटाइट यूरेनियम। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्रायोलाइट किस धातु का अयस्क है, यह भी VVI है। क्रायोलाइट जो है आपका एल्युमिनियम का ही हो जाएगा, क्रायोलाइट, तो क्रायोलाइट एल्युमिनियम जो हो जाएगा आपका। निम्न में से कौन सा विकल्प अन्य तीन से भिन्न है, तो वह कौन सा विकल्प जो अन्य तीन से भिन्न है, देखिए हेमाटाइट, मैग्नेटाइट और लिमोनाइट, ये तीनों जो है आपका लोहा का अयस्क है, लेकिन बॉक्साइट जो है यह एल्युमिनियम का अयस्क है। तो एल्युमिनियम का क्या है, बॉक्साइट और एल्युमिनियम जो है ये क्रायोलाइट और बॉक्साइट जो है एल्युमिनियम का होगा। बाकी देखिए हेमाटाइट, मैग्नेटाइट और लिमोनाइट, ये जो है आपका लोहा का अयस्क है। नेक्स्ट देखिए उत्कृष्ट गुणवत्ता के लौह अयस्क के रूप में लौह अयस्क से शुरू करते हैं, निम्न में से कौन सा एक शुद्ध लौह अंश का आधारित लौह अयस्क का सही अनुक्रम है, तो कौन सा लौह अयस्क जो है सही आधारित जो अनुक्रम में समझाया गया है, तो मैग्नेटाइट जो है लोहा का निष्कर्ष कहते हैं, हेमाटाइट में भी लोहे का निष्कर्ष और सीनोटाइट में भी लोहे का निष्कर्ष और सीडेराइट में भी लोहे का निष्कर्ष किया जाता है, तो सबसे अच्छा निष्कर्ष जो है लोहा का होता है मैग्नेटाइट में। तो याद रखिएगा सर्वोत्कृष्ट गुणवत्ता के लौह अयस्क से शुरू करने वाले निम्न में से कौन सा शुद्ध लौह अयस्क अंश का आधारित लौह अयस्क की सही अनुक्रम है, तो मैग्नेटाइट जो है सबसे अच्छा है, उसके बाद हेमाटाइट, उसके बाद सीनोटाइट, उसके बाद सीडेराइट, तो आप इसको याद रखिएगा। 309 निम्न में से कौन सा एक कांच की अवस्था को सही परिभाषित करता है, तो निम्न में से वो कौन सी है जो कांच की अवस्था को सही परिभाषित करता है, तो हो जाएगा अतिशीतित द्रव। अतिशीतित द्रव जो है यह कांच की अवस्था को सही परिभाषित करता है। 310 पूछा है विद्युत बल्ब के निर्माण में किस कांच का उपयोग करते हैं, तो विद्युत बल्ब के निर्माण में कौन से कांच का, फ्लिंट कांच का उपयोग करते हैं। बहुत ही VVI क्वेश्चन है, बहुत बार बार पूछा जाने वाला, तो फ्लिंट कांच का ऐसे पूछता है कि फ्लिंट कांच का उपयोग कहाँ किया जाता है, तो विद्युत बल्ब के निर्माण में किया जाता है, या विद्युत बल्ब के निर्माण में कौन सा कांच, तो फ्लिंट कांच का उपयोग करते हैं, तो याद रखिएगा। कोबाल्ट ऑक्साइड कांच को कौन सा रंग प्रदान करता है, तो कोबाल्ट ऑक्साइड भी यह नीला जो है रंग प्रदान करता है बॉक्साइट के, तो कोबाल्ट ऑक्साइड जो है यह गहरा नीला रंग प्रदान करता है, याद रखिएगा गहरा नीला। रासायनिक उर्वरक नाइट्रोलियम
रासायनिक उर्वरक नाइट्रोली में कौन से घटक होते हैं? तो नाइट्रोली में दोस्तों आपके कैल्शियम कार्बाइड और नाइट्रोजन होते हैं, कैल्शियम कार्बाइड और नाइट्रोजन होता है रासायनिक उर्वरक नाइट्रोली में। ये देखिए आपको एनडीए में पूछा गया है, आप देखते रहिए कौन कहाँ पूछा गया है। सीमेंट के जमने की प्रक्रिया को मंद करने के लिए कौन सा पदार्थ काम में लाया जाता है? तो सीमेंट को जलने की प्रक्रिया को मंद यानी कि धीमा करने के लिए कौन से पदार्थ का काम में लाया जाता है दोस्तों? तो आपको जाएगा कैल्शियम सल्फाइड, कैल्शियम सल्फाइड डॉट H2H2O। तो याद रखिएगा आप ऑप्शन सी कैल्शियम सल्फेट डॉट H2O। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है आपसे 313, सीमेंट के जमने की प्रक्रिया को यानी कि सीमेंट के जलने की प्रक्रिया को मंद करने के, वही क्वेश्चन है। तो आप यहाँ देखते हैं कैल्शियम सल्फेट डॉट H2O। नेक्स्ट भी है 314, मुक्त वायु में खुला छोड़ने पर यानी कि मुक्त वायु में खुला छोड़ने पर लोहे पर जंग लगता है, वायु का कौन सा घटक लोहे पर जंग लगने के लिए उत्तरदायी होता है? तो कौन सा गैस है जिसके कारण लोहा पर जंग लगता है दोस्तों? तो आपका जो हो जाएगा वायु में विद्यमान यानी कि ऑक्सीजन, और दूसरा होगा वायु में मौजूद नमी यानी कि वातावरण में जो नमी मौजूद है उसके कारण, और ऑक्सीजन जो मौजूद है उसके कारण, यानी कि एक और दो दोनों सही आपका हो जाएगा। 315 पूछा है, कार चालक की सुरक्षा के लिए प्रयोग में आने वाला वायु थैला में क्या होता है? तो कार चालक के सुरक्षा के लिए प्रयोग में आने वाला वायु थैला यानी कि एयर बैग में क्या होता है दोस्तों? तो ये सोडियम एंजाइड होता है, सोडियम एंजाइड। नेक्स्ट पूछा है, आजकल पीली रोशनी में लैंप सड़कों पर लगाए जाते हैं, इनमें कौन सी गैस प्रयोग की जाती है? तो ये बहुत ही बीवीआई क्वेश्चन है दोस्तों आज की डेट में पूछा जाने वाला, कि आजकल के जो रोड पे होता है पीली रोशनी में लैंप सड़कों पर लगाए जाते हैं यानी कि पीला रंग का जो है लैंप सड़कों के बीचों बीच लगाया जाता है, उनमें कौन सी गैस प्रयोग की जाती है? तो उनमें जो है गैस प्रयोग की जाती है सोडियम। 317 पूछा है कि विश्व में उपयोग में लाई जाने वाला पहली धातु थी, तो विश्व में जो है सबसे पहले उपयोग में लाया जाने वाला कौन सा धातु था? तो तांबा जो था आपके विश्व में सबसे पहले उपयोग में लाया जाने वाला धातु था। 22 कैरेट का सोना शुद्ध होता है, 22 कैरेट का सुधा सोना कितना परसेंट शुद्ध होता है? तो 92% शुद्ध होता है। 319 पूछा है, निम्न में से कौन सा तत्व किसी अणुमंडल के किसी तनु अम्ल के हाइड्रोजन गैस का विद्यमान नहीं कर सकता है? तो निम्न में से वह कौन सा तत्व है जो किसी तनु अम्ल से हाइड्रोजन गैस का विस्थापन नहीं कर सकता? तो वह कौन सा अम्ल है दोस्तों? तो तांबा जो है आपका हाइड्रोजन गैस का विस्थापन नहीं कर सकता है। 320 पूछा है, एक जब एक क्षार धातु जल से अभिक्रिया करती है तो निम्न में से कौन सी गैस उत्पन्न करती है? तो एक क्षार धातु जल से अभिक्रिया करती है तो निम्न में से कौन सी गैस उत्पन्न करती है? तो ये हाइड्रोजन उत्पन्न करती है। क्लोरोफिल का खनिज घटक है, तो क्लोरोफिल का खनिज घटक कौन सा है? तो मैग्नीशियम है। परमाणु रिएक्टर में प्रयुक्त यूरेनियम का आइसोटोप परमाणु रिएक्टर में प्रयुक्त यूरेनियम का आइसोटोप यानी कि समस्थानिक है, कौन सा समस्थानिक है दोस्तों? तो यूरेनियम 235। निम्न में से कौन सा तत्व रेडियो सक्रिय नहीं है? तो कौन सा तत्व जो है रेडियो सक्रिय नहीं है? तो कैडमियम जो है रेडियो सक्रिय तत्व नहीं है, बाकी आप जानते हैं कि यूरेनियम थोरियम और रेडियम ये सब रेडियो एक्टिव तत्व है, लेकिन कैडमियम जो है यह रेडियो एक्टिव तत्व नहीं है। 324 निम्न में से कौन सा तत्व बहुत अधिक संख्या में स्वचालित वाहनों को रखने वाले शहरों को वायु को प्रदूषित कर सकती है? तो वह कौन सा तत्व है यानी कि धातु है जो बहुत अधिक संख्या में स्वचालित वाहनों को रखने वाले शहरों को वायु को प्रदूषित करती है? तो वह जो है लेड, लेड हो जाएगा आपका आंसर। सर्विस स्टेशनों पर की जाने वाली मोटरकारों की प्रदूषण जांच द्वारा निम्न में से किसकी जांच का अनुमापन किया जाता है? तो जब भी आपको देखते हैं कि प्रदूषण जांच में मोटर गाड़ी के प्रदूषण जांच में निम्न में से किसकी जांच की अनुमति किया जाता है दोस्तों? तो शीशा और कार्बन उसमें देखा जाता है कि आपका सही है या ठीक नहीं है, तो शीशा और कार्बन देखा जाता है आपके प्रदूषण जाँच केंद्र पर, याद रखिएगा शीशा और कार्बन। एस्प्रिन कहाँ से मिलती है? तो एस्प्रिन जो है एक
पेड़ से मिलती है स्प्रिंग। सीरा किसके उत्पादन के लिए अति उत्तम कच्चा माल है? तो सीरा जो है एल्कोहल के लिए अति उत्तम कच्चा माल है। तरलीकृत पेट्रोलियम गैस का मुख्य आधार घटक कौन सा है? तो तरलीकृत यानी कि लिक्विड पेट्रोलियम गैस का यानी कि एलपीजी का मुख्य आधार घटक कौन सा है? तो ब्यूटेन है। बायोडीजल बनाने में किस वनस्पति का उपयोग किया जाता है? तो बायोडीजल बनाने में रतन जोत का प्रयोग किया जाता है। बायोडीजल बनाने में रतन जोत याद रखिएगा, बहुत ही उपयोगी। बायोडीजल बनाने में किस वनस्पति का उपयोग किया जाता है? तो रतन जोत। बायोडीजल पौधा कहाँ पौधा कहलाता है? तो बायोडीजल पौधा जो है आपका जैट्रोफा कहलाता है, याद रखिएगा ये जैट्रोफा। बायोडीजल पौधा का वैज्ञानिक नाम भी पूछा, जैट्रोफा या बायोडीजल पौधा कहलाता है जैट्रोफा। पॉलीथीन की थैलियों को नष्ट कर नहीं किया जा सकता क्योंकि ये बने होते हैं। तो पॉलीथीन की थैली जो है जल्दी नष्ट नहीं हो पाता है क्योंकि ये किस चीज का बने होते हैं? तो ये पॉलीमर से बने होते हैं, पॉलीमर। 332 चिकित्सक परामर्श देते हैं कि हमें अपना भोजन वनस्पति घी की अपेक्षा तेल में बनाना चाहिए। तो जो है डॉक्टर परामर्श देते हैं कि हमें भोजन जो है वनस्पति घी की अपेक्षा तेल में ही बनाना चाहिए। क्यों दोस्तों? तो तेल में जो है असंतृप्त वसाएं होती है, तेल में जो है असंतृप्त वसाएं होती है। 33 पूछा है 300 निम्न पर विचार कीजिए। तो पूछा है कि धान की खेती, कोयले का खनन, पालतू पशु, आर्द्र भूमि। बोला है कि उपयुक्त कथनों में से कौन प्रमुख ग्रीन हाउस गैस के लिए मीथेन का स्रोत है? तो ग्रीन हाउस गैस जो है ये सभी में होता है, धान की खेती में भी होता है मीथेन, कोयले के खदान में भी होता है मीथेन, और पालतू पशु में भी मीथेन निकलता है, और जो है आर्द्र भूमि में भी मीथेन पैदा होता है, यानी कि 1, 2, 3, 4 ये सभी जो है आपका सही है। निम्नलिखित गैस युग्मों में से किसका मिश्रण खानों में अधिकतर होने वाले विस्फोट का कारण है? तो वह कौन से गैस में हुआ है जिसका मिश्रण जो है खानों में अधिकतम होने वाले विस्फोटों का कारण है? तो मीथेन और वायु। 35 पूछा है निम्न में से कौन सा एक आरडीएक्स का अन्य नाम है? तो आरडीएक्स का जो अन्य नाम है साइक्लोनाइट है। साइक्लोनाइट जो है आरडीएक्स के श्रेणी में आते हैं, साइक्लोनाइट। निम्न में से आंसू गैस का घटक कौन सा है? तो आंसू घट आप जानते हैं क्लोरोफिन जो है, क्लोरोपिक्रिन जो है ये आंसू गैस है, क्लोरोपिक्रिन। याद रखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्लोरोपिक्रिन यह आंसू गैस के नाम से भी जाना जाता है। सिरके का रासायनिक नाम है? तो सिरके का रासायनिक नाम देखिए कौ बार पूछा जा चुका है, एसिटिक अम्ल है सिरके का रासायनिक नाम। नेक्स्ट पूछा है मांसपेशियम निम्न में से किसके एकत्र होने के कारण थकान होती है? तो मांसपेशिया में जो है थकान यानी कि हरासमेंट महसूस होने के कारण क्या है? लैक्टिक एसिड यानी कि लैक्टिक अम्ल कह सकते हैं। फार्मिक अम्ल पाया जाता है? तो फार्मिक अम्ल जो है चींटी के डंक में पाया जाता है। बायोगैस में पाई जाती है? तो बायोगैस में क्या पाया जाता है दोस्तों? तो 50 से 70% मीथेन होता है बायोगैस में। बायोगैस के मुख्य अवयव कौन से है? तो बायोगैस के मुख्य अवयव जानते हैं दोस्तों कि मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड होते हैं। गुजाली करने वाले पशुओं से जिस ग्रीन हाउस गैस का निरंतर होता है वह है? तो जो गुजाली यानी कि जो पगड़ी करते हैं पशु जिससे ग्रीन हाउस गैस का निस्तारण होता है वह कौन सा है दोस्तों? तो मीथेन निकलता है जो पशु गुजाली यानी कि पगड़ी करते हैं। CH3OH किसका रासायनिक सूत्र है? तो CH3OH जो है आपका मेथिल एल्कोहल का है। मेथिल एल्कोहल का जो रासायनिक सूत्र है CH3OH होता है। नेक्स्ट पूछा है कि द्रवित ब्यूटेन और आइसोब्यूटेन का मिश्रण कहलाता है? द्रवित ब्यूटेन और आइसोब्यूटेन का मिश्रण कहलाता है एलपीजी। एलपीजी का मिश्रण क्या होता है? द्रवित ब्यूटेन और आइसोब्यूटेन। दूध के फटने पर कौन सा अम्ल उत्पन्न होता है? तो दूध के फटने पर जो है आपका दोस्तों लैक्टिक अम्ल उत्पन्न होता है, लैक्टिक अम्ल। क्योंकि दूध में हमेशा आप याद रखिए दूध से रिलेटेड कोई भी बात पूछे तो आपको लैक्टिक अम्ल ही निकलता है, दूध या दही। निम्नलिखित में से किसका विस्तृत रूप से बेहोश करने में उपयोग होता है? तो बेहोशी करने में किसका उपयोग करते हैं दोस्तों? तो क्लोरोफॉर्म जो है यह बेहोशी करने में भी उपयोग में लाया जाता है। भोपाल गैस त्रासदी में कौन सी गैस लीक हुई थी? तो देखिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये हर एग्जाम में पूछा जाता है, ये नहीं कि आर्मी में ही, ये हर एग्जाम में पूछा जाता है कि भोपाल गैस त्रासदी में कौन सी गैस लीक हुई थी। मिसाइल आइसोसाइनाइट लीक हुई थी।
जिसमें बहुत से लोगों की जान गया था, इसलिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। निम्न में से कौन सा पदार्थ प्राकृतिक रूप से खट्टा है? तो खट्टा जो है सिरका जो है खट्टा है। पेट्रोलियम की गुणवत्ता प्रदर्शित की जाती है, तो पेट्रोलियम की गुणवत्ता जो है ऑक्टेन संख्या से ऑक्टेन नंबर से प्रदर्शित की जाती है। निम्न में से किसका उपयोग पॉलिथीन में के संश्लेषण में किया जाता है? तो पॉलिथीन के संश्लेषण यानी कि बनाने में एथिलीन का प्रयोग किया जाता है। धान के खेतों में निम्न में से कौन सी गैस सर्वाधिक मात्रा में निकलती है? धान के खेतों में जो है मीथेन जो है सर्वाधिक मात्रा में निकलती है। नेक्स्ट पूछा है पेट्रोलियम एक मिश्रण है, तो पेट्रोलियम जो क्या है हाइड्रोकार्बन का मिश्रण है, पेट्रोलियम एक हाइड्रोकार्बन का मिश्रण है। क्लोरोफॉर्म की खोज किसने की? तो क्लोरोफॉर्म की खोज देखिए यहाँ सिम्पसन ने किया था, सिम्पसन। ये बहुत बीबीआई आज के डेट में पूछा जा रहा है, सिम्पसन। चींटी के काटने पर किसका अंतःक्षेपण होता है? तो चींटी के काटने पर जो है आप जानते हैं कि चींटी में फॉर्मिक अम्ल ही पाया जाता है, तो फॉर्मिक अम्ल का अंतःक्षेपण होता है। आंसू गैस का रासायनिक नाम है, तो आंसू गैस का रासायनिक नाम है अल्फा क्लोरो एसिटोफिनोल, अल्फा क्लोरो एसिटोफिनोन जो है आंसू गैस का रासायनिक नाम है अल्फा क्लोरो एसिटोफिनोन। निम्न में से कौन सा एक वायु गैस का घटक नहीं है? तो वायु गैस के घटक जो नहीं है नाइट्रोजन ऑक्साइड जो है वायु गैस का घटक नहीं है, बाकी मीथेन हाइड्रोजन और कार्बन डाइऑक्साइड जो है बायो गैस के घटक है, लेकिन नाइट्रोजन ऑक्साइड बायो गैस के घटक नहीं है। निम्नलिखित द्रव में से कौन सा एक प्राकृतिक कच्चे माल से बनाया जाता है? तो प्राकृतिक कच्चे माल से क्या बनाया जाता है? रेयन जो है प्राकृतिक कच्चे माल से बनाया जाता है, रेयन। या देखिए रेयन जो है एक द्रव द्रव में से एक ऐसा पदार्थ है जो प्राकृतिक कच्चे माल से बनाया जाता है, रेयन। नेक्स्ट पूछा है टेफ्लॉन क्या है? तो टेफ्लॉन जो है दोस्तों एक पॉली टेट्राक्लोरो एथिलीन है, पॉली टेट्राक्लोरो एथिलीन है टेफ्लॉन। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, अगर आप इसे याद कर लेते हैं तो बुझिए कि आने वाले एग्जाम में आप किसी भी एग्जाम में बैठ सकते हैं, यह आपको बहुत ही हेल्पफुल साबित होगा। दो तीन क्वेश्चन आपसे हमेशा पूछा ही जाता है इस सब क्वेश्चन से। तो प्रतिरोधी का उदाहरण है, तो प्रतिरोधी का उदाहरण कैसा है दोस्तों? तो ये उपयुक्त सभी हो जाएगा, देखिए डेटॉल मेथिलीन ब्लू और जेंसन वायलेट, ये उपयुक्त सभी जो है प्रतिरोध का उदाहरण है, यानी कि जो है घाव फुंसी पर लगाने के लिए, यानी कि रोग प्रतिरोधक, एक तरह से बुझिए कि रोग प्रतिरोधक है ये सभी। विकृतिकृत स्प्रिट एथेनॉल का मिश्रण है, विकृतिकृत स्प्रिट एथेनॉल का मिश्रण कौन सा है? तो पायरीडीन के साथ, तो विकृतिकृत स्प्रिट एथेनॉल का मिश्रण है पायरीडीन के साथ, याद रखिएगा। इमली में निम्न में से कौन सा अम्ल होता है? तो इमली में आपको बताए दिए थे कि एक आपका जो है एसिड और जो है किस पदार्थ में कौन सी एसिड मिलती है, ये मैंने आपको एक वीडियो बना दिया हूँ, आप उसको देख लीजिएगा, 5 से 6 मिनट का, आपको सभी चीज़ें मिल जाएगी, कौन से पदार्थ में कौन सी अम्ल मिलता है उसमें आपको पता होगा। तो इमली में जो है टर्टिक अम्ल मिलता है। ओजोन परत को हासित करता है, यानी कि ओजोन परत को क्षय यानी कि क्षति कौन पहुँचाता है? तो ये कार्बन डाइऑक्साइड आपको इसमें दिया है, तो कार्बन डाइऑक्साइड नहीं होगा यहाँ आपका, हो जाएगा CFC यानी क्लोरो फ्लोरो कार्बन हो जाएगा। ओजोन परत को हासित यानी कि क्षति पहुंचाने वाला गैस जो है क्लोरो फ्लोरो कार्बन होगा, ये आप याद नहीं रखिए, कार्बन डाइऑक्साइड कार्बन मोनोऑक्साइड नाइट्रोक्साइड तीनों नहीं है, लेकिन ये क्लोरो फ्लोरो कार्बन इसका ओजोन परत का हासित यानी कि हानि पहुंचाने वाला है, क्लोरो फ्लोरो कार्बन आपका आंसर होगा। निम्न में से सबसे मीठी शर्करा है, तो सबसे मीठी शर्करा आप याद रखिएगा फ्रक्टोज जो है सबसे मीठी शर्करा है। साबुन बनाने में निहित प्रक्रिया है, तो साबुन बनाने में निहित प्रक्रिया कौन सी है? तो साबुनीकरण से साबुन बनाया जाता है। नेक्स्ट पूछा है 5% जल वाले एथेनॉल को कहते हैं, तो 5% जल वाले एथेनॉल को क्या कहते हैं? परिशोधित स्प्रिट, परिशोधित स्प्रिट जो है 5% जल से एथेनॉल का बना होता है। सिगरेट के धुएं का मुख्य प्रदूषक है, तो सिगरेट के धुएं में क्या निकल रहा है दोस्तों? तो कार्बन मोनोऑक्साइड व बेंजीन, जो कि बहुत ही जहरीला गैस है कार्बन मोनोऑक्साइड व बेंजीन, इसलिए पीने वाले से ज़्यादा इसको सूंघने वाले को हानि पहुंचाता है, तो कार्बन मोनोऑक्साइड और बेंजीन बहुत ही खतरनाक गैस है। ईश्रु शर्करा में किण्वन से निर्मित शर्करा में होता है, तो
इस इच्छु शर्करा के किण्वन से निर्मित शर्करा में होता है क्या होता है, तो एसिटिक अम्ल होता है। रबर के व्यापारिक बल्कनीकरण से किसका उपयोग प्रयोग होता है, तो रबर के जो है व्यापारिक बल्कनीकरण से किसका प्रयोग होता है, तो ये आपको जाएगा गंधक, यहाँ देखिए गंधक का। नाखून पॉलिश परिमार्जक, यानी कि नाखून पॉलिश में क्या होता है, नाखून पॉलिश परिमार्जन यानी कि रिमूवर में क्या होता है, तो एसीटोन से बना होता है। नाखून यानी कि जो उंगली का नाखून रंगने वाला जो होता है वो एसीटोन से बना होता है। चींटी काटने पर, चींटी काटने या भ्रमण देश से प्रभावित क्षेत्र में लगाने पर निम्न में से कौन सा एक दर्द निवारण होता है, तो जो है चींटी काटने या भ्रम देश में प्रभावित क्षेत्र में लगाने पर निम्न में से कौन सा एक दर्द निवारण होता है दोस्तों, तो सिर का जो है दर्द निवारण होता है। नेक्स्ट देखिए पूछा है, निम्न में से किसमें द्रव्यमान की दृष्टि से अधिकतम प्रतिशत नाइट्रोजन पाया जाता है, तो किसके द्रव्यमान में की दृष्टि से अधिकतम प्रतिशत नाइट्रोजन पाया जाता है दोस्तों, तो ये यूरिया में जो है सबसे अधिक नाइट्रोजन पाया जाता है, जो कि आपका प्रतिशत है 78% पाया जाता है। नेक्स्ट पूछा है, कपड़ों तथा बर्तनों को साफ करने के लिए प्रयुक्त डिटर्जेंट में निम्न में से क्या पाया जाता है, तो जो है कपड़ा तथा बर्तन को साफ करने के लिए जो डिटर्जेंट बनाए जाते हैं कि सर्फ बनाया जाता है उनमें क्या प्रयोग होता है दोस्तों, तो सल्फोनेट होता है। हाइड्रोक्सी समूह वाला कार्बनिक अम्ल है, तो हाइड्रोक्सी समूह वाला कार्बनिक अम्ल जो है कार्बोलिक अम्ल है, कार्बोलिक अम्ल जो है हाइड्रोक्सी समूह वाला कार्बनिक अम्ल है। ये डिफिकल्ट है, उतना नहीं पूछा जाता है, फिर भी आप इसे याद कर लीजिएगा। निम्न कथनों पर विचार कीजिए, तो कौन से कथन है देखिए, यहाँ पूछा है एलपीजी का मुख्य घटक ब्यूटेन है, बायोगैस का मुख्य घटक मीथेन है, तो ये दोनों क्या सही है या गलत, तो ये दोनों जो है आपका सही है। निम्न में से कौन सा तत्व शुद्ध शर्करा में विद्यमान नहीं है, तो शुद्ध शर्करा में विद्यमान कौन सा नहीं है, तो नाइट्रोजन नहीं है, क्योंकि हाइड्रोजन कार्बन और ऑक्सीजन जो है शुद्ध शर्करा में विद्यमान होता है लेकिन नाइट्रोजन नहीं होता है। स्वचालित इंजनों में कौन सा एक हिम निरोधी के रूप में प्रयुक्त होता है, तो स्वचालित इंजनों में कौन सा एक हिम निरोधी के रूप में प्रयुक्त होता है, तो एथिल ग्लाइकॉल। आप इसे 100% याद कर लीजिए दोस्तों, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि स्वचालित इंजनों में जो है एक हिम निरोध के रूप में प्रयुक्त कौन सा होता है, तो एथिलीन ग्लाइकॉल। निम्नलिखित में से किस एक के संचयन से धावकों को दौड़ने के बाद पैरों में मांसपेशियों में दर्द का अनुभव होता है, देखिए अगर दौड़ते हैं तो एक क्वेश्चन आपको समझ में आना चाहिए कि जो है निम्न में से किस एक संचयन से धावकों के दौड़ने के बाद पैरों में मांसपेशियों में दर्द का अनुभव होता है, तो ये लैक्टिक एसिड। इसलिए दोस्तों बोला जाता है कि आप मीठे जो है मिठाई सिठाई से आप बहुत ही दूर रहिए, अगर दौड़ रहे हो तो आप इन मीठे चीज़ों से बहुत ही दूर रहिए, क्योंकि लैक्टिक एसिड जो है आपको मीठा चीज़ खाने से ही बनता है, जिससे आपको थकान और मांसपेशियों में दर्द होने लगता है। सुमेलित कीजिए, पूछा है कि फार्मिक अम्ल तो दोस्तों आपको बताए हैं कि चींटी से होता है। सिट्रिक अम्ल तो आप इमली में देख ही रहे हैं, टॉर्टिक अम्ल जो है आपको नींबू में दिख ही रहा है। टॉर्टिक अम्ल जो आपका इमली हो जाएगा और सिट्रिक अम्ल जो है नींबू हो जाएगा, तो आप देख ही रहे हैं, फिर से एक बार देख लीजिए आपको कन्फर्म हो जाए। फार्मिक अम्ल चींटी, ये जो है सिट्रिक अम्ल आपको नींबू और टॉर्टिक अम्ल जो है इमली आपका हो जाएगा। तो दोस्तों आई होप आप इसको मिला लेंगे, तो ऑप्शन देखिए बी इज द करेक्ट होगा, ए का 3, बी का जो है 1 हो जाएगा, बी का 1 हो गया और सी का जो है 2 हो गया, तो सी का 2 यानी कि ऑप्शन बी इज द करेक्ट होगा। मूत्र के श्रवण को बढ़ाने के लिए प्रयुक्त औषधि को कहते हैं, तो मूत्र के श्रवण को बढ़ाने की प्रयुक्त औषधि को क्या कहते हैं, डाई यूरेटिक। गहरे तले हुए खाद्य पदार्थ के कैटजनक होते हैं क्योंकि उसमें प्रचुर होती है, तो जो तला हुआ खाद्य पदार्थ होता है उसमें प्रचुर मात्रा में क्या होती है, वसा होती है। 81 पूछा है, फोटोग्राफी प्लेट में सिल्वर हैलाइड का प्रयोग किया जाता है क्यों दोस्तों, तो फोटोग्राफी प्लेट में जो है सिल्वर हैलाइड का प्रयोग क्यों किया जाता है, तो हाइपो सोल्यूशन में बिले होती है। टेट्राइथाइलेट निम्न में से क्या है, तो टेट्राइथाइलेट जो है अप
स्फोटिरोधी यौगिक है, तो अप स्फोटिरोधी यौगिक जो है टेट्राइथाइल लेड है, यानी कि TEL टेट्राइथाइल लेड। परमाणु ऊर्जा के उत्पादन में प्रयोग किया जाने वाला आइसोटोपनिन में से कौन सा है? तो परमाणु ऊर्जा के उत्पादन में प्रयोग किया जाने वाला आइसोटोपनिन में से कौन सा है? तो यूरेनियम 235। निम्न में से कौन सा एक न्यूक्लियन नहीं है? तो कौन सा इसमें एक न्यूक्लियन नहीं है दोस्तों? तो इलेक्ट्रॉन जो है यह न्यूक्लियन नहीं है। बाकी देखिए प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और पॉजिटॉन ये सब क्या है? न्यूक्लियन है, लेकिन इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियन नहीं है। तो याद रखिएगा इलेक्ट्रॉन जो है एक न्यूक्लियन नहीं है। सीसा पेंसिल यानी कि लेड पेंसिल के निर्माण में किस सामग्री का प्रयोग किया जाता है? तो सीसा यानी कि लेड पेंसिल यानी कि सीसा पेंसिल है। सीसा पेंसिल नहीं पूछता आपको, लेड पेंसिल पूछता है। सीसा पेंसिल ही पूछे तो आप कंफ्यूज मत होइएगा। लेड पेंसिल या सीसा पेंसिल के निर्माण में किस सामग्री का प्रयोग किया जाता है? तो ग्रेफाइट को प्रयोग करते हैं। पृथ्वी कितनी पुरानी है इसका निर्धारण किस प्रकार से किया जाता है? तो पृथ्वी कितना वर्ष पुराना है इसका निर्धारण किस में करते हैं दोस्तों? यानी कि पृथ्वी का आयु किस में मापते हैं? तो रेडियोमैट्रिक काल निर्धारण द्वारा। तो रेडियोमैट्रिक काल निर्धारण द्वारा इसको नापा जाता है कि पृथ्वी कितनी साल पुरानी है। सीमेंट की खोज किसने की? तो सीमेंट की खोज दोस्तों जोसेफ आस्पडीन ने किया था। जोसेफ आस्पडीन ने किया था सीमेंट की खोज। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है 208, निम्न में से कौन सा कथन सही है? तो यह इसमें सही आपका हो जाएगा परमाणु, एक परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों विद्यमान होते हैं। तो परमाणु के नाभिक में क्या होते हैं? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों होते हैं। आप देखे ही हैं, पहले भी बता चुके हैं इसको। सुपर फास्फेट में उपस्थित धातु परमाणु कौन सा है? तो सुपर फास्फेट में उपस्थित धातु परमाणु कौन सा है? तो कैल्शियम है। ऊष्मा का यानी कि ऊष्मा के सर्वोत्तम एवं निकृष्टतम चालक क्रमशः कौन सा है? तो ऊष्मा का बोला है सबसे अच्छा और सबसे खराब चालक कौन सा है? तो ऊष्मा का सबसे अच्छा चालक जो है आपका जानते हैं कि चांदी है, और सबसे खराब जो है सीसा यानी कि लेड है। पूछा है निम्न धातुओं में कौन सा एक हाइड्रोजन को अपेक्षा अधिक अभिक्रियाशील है? तो हाइड्रोजन की अपेक्षा वह कौन सी धातु है जो अधिक अभिक्रियाशील है? तो रंगा यानी कि टीन। टीन जो है आपको निम्न धातुओं में से हाइड्रोजन की अपेक्षा अधिक अभिक्रियाशील है, तो टीन रंगा याद रखिएगा टीन। एल्युमिनियम 27-13 में न्यूट्रॉनों की संख्या है, तो एल्युमिनियम 27-13 में न्यूट्रॉनों की संख्या आप जानते हैं कि 24 होगा, क्योंकि आप 27 में 13 घटाएंगे तो 24 हो जाएगा। निम्न में से कौन सा एक संक्रमण धातु है? तो संक्रमण धातु जो है मैग्नीज हो जाएगा, मैग्नीज जो है एक संक्रमण धातु है। निम्न तत्वों में से कौन सा एक अम्लों को हाइड्रोजन प्रतिस्थापित कर लवण बनाता है? तो वह कौन सा तत्व है जो अम्लों को हाइड्रोजन प्रतिस्थापित कर लवण बनाता है? तो जिंक यानी कि जस्ता। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है 395, निम्न में से कौन सा रासायनिक परिवर्तन निरूपित करता है? तो निम्न में से कौन सा रासायनिक परिवर्तन निरूपित करता है? तो इसमें से आपका हो जाएगा 3 और 4 जो है ईथर का ज्वलन और लोहे में जंग लगना जो है ये रासायनिक परिवर्तन है, क्योंकि ईथर को जला देने पर फिर ईथर नहीं बन सकता, और लोहे पर जंग लगने के बाद फिर शुद्ध लोहा वो नहीं बन सकता। तो इसलिए देखिए लोहे का चुंबक ये भौतिक परिवर्तन है, और जो द्रव का संघनन ये भी भौतिक परिवर्तन है। तो आपका रासायनिक परिवर्तन पूछा है तो लोहे पर जंग लगना, ईथर का जलना, ये रासायनिक परिवर्तन है। पूछा है 296, निम्न में से कौन सा एक तत्वों की अभिक्रियाशीलता का सही क्रम है? तत्वों की सबसे अभिक्रियाशील जो है सोडियम होता है, सोडियम के बाद जिंक होता है, जिंक के बाद मैग्नीशियम, मैग्नीशियम के बाद कॉपर, यानी कि ऑप्शन बी इज द करेक्ट। सिरका किससे बनाया जाता है? सिरका जो है एथेनोइक अम्ल से बनाया जाता है सिरका। 98 देखिए पूछा है कि सूची एक को सूची दो से सम्मिलित कीजिए। तो बोला है कि ओजोन गैस, तो ओजोन गैस क्या हो जाएगा दोस्तों? तो ओजोन गैस पराबैंगनी किरण हो जाएगा। फिर पूछा है आपसे नाइट्रस ऑक्साइड, तो नाइट्रस ऑक्साइड जो हो जाएगा आपका अवरक्त विकिरण हो जाएगा। पूछा है कार्बन डाइऑक्साइड, तो कार्बन डाइऑक्साइड जो हो जाएगा आपका लघु मात्रा में वायु का घटक, यानी कि सबसे कम मात्रा में वायु में पाया जाना। कार्बन मोनोऑक्साइड, तो कार्बन मोनोऑक्साइड आपका हो जाएगा हीमोग्लोबिन के साथ संयोग करता है, तो आपका ऑप्शन डी इज द करेक्ट हो जाएगा।
पूछा है कि ऊन के बदले में प्रयुक्त होने वाला बहुलक तंतु जो सिंथेटिक कंबल स्वेटर आदि बनाने में काम आता है, तो ऊन के बदले में जो प्रयुक्त होने वाला बहुलक तंतु जो सिंथेटिक सिंथेटिक बहुलक है जो कंबल स्वेटर आदि बनाने में काम आता है वो कौन सा है, तो नायलॉन। आप इसका नाम सुने होंगे, नायलॉन, जिसका आज के डेट में स्वेटर और कंबल भी बनाया जा रहा है। फिर सूची दे दी है आपको, कहा है कि एक से दो को मिलाइए। देखिए शोल्डर जो हो जाएगा, शोल्डर आपका क्या हो जाएगा, शीशा और टीन का बना होता है शोल्डर, जो सटने वाला जो मिस्त्री जो रेडियो या टीवी बनाने वाला होता है शोल्डर उसका वो शीशा और टीन का बना होता है। पीतल जो है आपका देख रहे हैं, तो पीतल आपका हो जाएगा तांबा और जस्ता का मिश्रण होता है पीतल। कांसा, कांसा जो हो जाएगा आपका दोस्तों तांबा और टीन का बना होता है कांसा, और इस्पात देखते हैं कि लोहा और कार्बन का बना होता है इस्पात। तो आप इन सभी को मिला लीजिए, यानी कि ऑप्शन बी इज द करेक्ट हो जाएगा। फिर पूछा है सूची एक को दो से मिलाइए, तो चलिए सूची एक और दो देख लेते हैं क्या दिया है। तो सूची एक और दो में आपको दिया है कि सी एफ सी लैम्प, तो सी एफ एल लैम्प जो है आपका, तो सी एफ एल लैम्प आपका हो जाएगा पारा का बना होता है, पारा गैस भरा होता है सी एफ एल लैम्प में। ऑटोमोबाइल बैटरी, तो ऑटोमोबाइल बैटरी में जो है आपका शीशा में ही रखा भरा जाता है। पॉलीमर, पॉलीमर जो है आपका थैलेट में हो जाएगा, थैलेट में पॉलीमर हो जाएगा। डीजल इंजन आप जानते हैं कि नाइट्रोजन ऑक्साइड में हो जाता है, यानी कि ऑल ओवर बोला जाए तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट होगा। फिर पूछा है कि क्लोरीकरण में पानी को शुद्ध करने का एक प्रक्रम है, क्लोरीन को रोगाणुनाशक क्रिया का मुख्य कारण क्या है। फिर से एक बार क्वेश्चन देख लीजिए, क्लोरीकरण में पानी को शुद्ध करने का एक प्रक्रम है, क्लोरीन के रोगाणुनाशी क्रिया का मुख्य कारण क्या है, तो पानी में क्लोरीन मिलाए जाने पर हाइड्रोक्लोरस अम्ल का बनना जो कि पानी को शुद्ध कर देता है। पानी में जैविक डीजल के उत्पादन के लिए जट्रोफा कारकास के अलावा पेंगामिया पिनाटा को भी क्यों एक कदम विकल्प माना जाता है, तो एक उत्तम विकल्प माने जाने का कारण है, तो इसमें हो जाएगा आपका पेंगनमोनिया जो है पिनाटा के बीजों के लिपिड अंश बहुतायत में होता है, जिसमें से लगभग आधा ओलोकाइल अम्ल होता है, तो उपयुक्त डी यानी कि ऑप्शन बी इज द करेक्ट हो जाएगा। देखिए 404 नंबर पूछा है कि नीचे चार अम्लों फसल में नाम दिए गए हैं, इनमें से किस एक अम्ल की खेती एथेमोल के ऊपर की जा सकती है, तो एथेमोल के ऊपर की जाने वाले कौन सी खेती है दोस्तों, तो पेंगामिया। ये पूछा नहीं जाता है, लेकिन आप इसको याद कर लिए, अगर याद हो रहा है उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। फिर भी यह 405, निम्न में से कौन सी साबुन का विनिर्माण के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण कच्चा माल है, तो वह वसाएं व अम्ल है, वसाएं व अम्ल। एक महिला अपने स्वर्ण आभूषणों की सतह पर रासायनिक अपगमन द्वारा साफ करने की इच्छा करती है, इसके लिए किसके उपयोग की आवश्यकता है, तो ये सोडियम थायोसल्फेट से जो है चांदी सोना को साफ किया जा सकता है। फिर पूछा है 407, निम्न में से कौन सा एक आवर्ती गुणधर्म नहीं है, अर्थात आवर्त सारणी में एक ओर से दूसरी ओर चलने पर यह कोई प्रवृत्ति नहीं दर्शाता, वह कौन सा है, तो रेडियो एक्टिविता जो है, जो आपके आवर्त सारणी में जो है एक ओर से दूसरी ओर चलने पर भी प्रवृत्ति नहीं दर्शाता है। तो दोस्तों आई होप आपने जो है 300 से लेकर के 407 क्वेश्चन तक आसानी से पढ़ा दोस्तों। यदि आपको एक बार में याद नहीं हो दोस्तों, आप दो बार में इसको याद कीजिए, लेकिन 100% याद कीजिए, ताकि आने वाली एग्जाम में आपको 100% हेल्प मिले। दोस्तों फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में फिजिक्स का लेकर के ऑब्जेक्टिव। दोस्तों थैंक यू, जय हिंद।